सुप्रभात बच्चों, सो देयर इज अ शॉर्ट सेरेमनी फॉर यू टुडे। देयर इज समथिंग डूइंग इन दिस सॉयल व्हिच डिस्पाइट मैनी ऑब्स्टेकल्स हैज ऑलवेज रिमेन्ड द अबोड ऑफ ग्रेट सोल्स। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, फेलो टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी फ्रेश एंड ब्राइट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई टेक द प्रिविलेज टू इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू दैट वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस। This day is celebrated on 31st October every year since 2014 to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel. Sardar Vallabh Bhai Patel was a famous freedom fighter and later a politician who played a major role in the integration of India. So first of all, I request our worthy principal sir to please offer the flowers to Sardar Vallabh Bhai Patel to pay the heartfelt homage to the Iron Man of India. Thank you very much, sir. Now I Bhai Patel to remember him and to make the students aware about the contribution of Sardar Vallabhbhai Patel towards the independent India. Mr. Jitendra Lamba, please. सुप्रभात बच्चों, हमारे परम आदरणीय प्राचार्य जी, साथी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप मंच पर देख रहे हैं कि बैनर लगा है राष्ट्रीय एकता दिवस हम मना रहे हैं। ये एक सप्ताह के रूप में हम इस बार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई जावेद भाई पटेल जी की जयंती पर हम ये राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। जैसा कि मैम ने अभी हमें बताया कि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाबाद इलाके में हुआ। इनके पिता का नाम श्री जावेद भाई, माताजी का नाम श्रीमती लाडवा जी। ये अपने परिवार में चौथी संतान थे। जहां तक इनकी शिक्षा की बात है, शुरुआती शिक्षा जैसे कि आप स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, उस समय 10वीं तक पढ़ाई इन्होंने, उसमें बहुत इनको लंबा समय लगा। उसका कारण ये था कि आर्थिक तंगी से परेशान थे। इनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, तो वो इतना समर्थ नहीं था कि अपने बच्चों को पढ़ा पाए, लेकिन फिर भी इनकी लगन और मेहनत की वजह से इन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि अंग्रेज सरकार ने तो प्रावधान रखा था कि रियासतें अपनी इच्छा से पाकिस्तान में जा सकती थी, भारत में मिल सकती थी या अपना स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकती थी। लगभग सभी रियासतें उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था और बहुत सारी रियासतें भारत में मिल गई थी, लेकिन तीन रियासतें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इन तीन रियासतों में थोड़ी दिक्कतें थी। लेकिन देखिए, बगैर खून की एक बूंद भी गिराए इन्होंने इन सभी रियासतों को, तो बाकी रियासतें थी उनको भी भारत में मिलाने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी रहे। एक कश्मीर रियासत ऐसी थी जो बाद में हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको कहा कि मैं इस
इस प्रांत के बारे में, इस रियासत को मैं संभालूंगा, मैं देखता हूँ इसको कैसे हैंडल करना है। बाकी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कूटनीतिकता से भारत में मिला दिया। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हैदराबाद की रियासत थी, वहां जो प्रजा यानी कि आम लोग, वो संख्या में हिंदू ज्यादा थे, लेकिन जो राजा थे वो निजाम, वो मुस्लिम थे और वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए थे, विदेशों से हथियार खरीदने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सेना को आदेश दिया और 4 दिन तक सेना ने हैदराबाद को घेरे रखा और अंत में हैदराबाद के निजाम को मजबूरीवश भारत में शामिल होना पड़ा। और ये जो कार्य था 562 रियासतों को भारत में मिलाना, ये कोई आसान काम नहीं था। और सबसे बड़ी खास बात जो अभी मैंने कहा कि खून का एक कतरा बहाए बगैर उन्होंने इस कार्य को बड़ी ही निपुणता से पूर्ण किया। इसीलिए आज हम उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। 1950 में इनका देहांत हो जाता है और भारत सरकार 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करती है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं मानस कुमार, कक्षा 8वीं का छात्र, आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कुछ इस प्रकार है। भारत के एकीकरण का स्वप्न। भारत के एकीकरण का स्वप्न था जिसने साकार किया, लौह पुरुष सा बनकर वह पूरे देश में विख्यात हुआ, एकता का पाठ पढ़ाया, एकता का पाठ पढ़ाया, मेहनत का सबक सिखाया, कर्मठ का ही जीवन है हम सबको यह बतलाया। धन्य है वह माता, धन्य है वह माता जिसने ऐसा पुत्र का पाया, भारत माँ का लाडला वह भारत माँ में ही समाया, ना भूलना उसके बलिदान को, ना भूलना उसके बलिदान को जिसने था देश को आजाद कराया, जिसने था देश को आजाद कराया। धन्यवाद। Now I invite Mr. Deepak Bhardwaj for the pledge ceremony. राष्ट्रीय एकता दिवस पर जो हमने और सेरेमनी करनी है उसके लिए दीपक भारद्वाज जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। But now this unity is also required because we are divided on the basis of different things. We are talking about the areas, we are talking about different languages, we are talking about different religions. Why we are talking all these things? Because we are Indian, not any person from particular area, any person speaking particular language, any person following some belief or religion. So this thing, you have to make sure that you have to be united. And for this thing, we are going to take a pledge. ये प्लेज जितने भी आपकी होती हैं, इन प्लेज के मीनिंग को समझा करो बेटा। अगर यूनाइटेड नहीं रहेंगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगा, 100% होगा। सो मार्क दीज वर्ड्स एंड टेक द प्लेज बाय हार्ट, दिल से ले जाए। ओके, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। एवरीवन इंक्लूडिंग टीचर्स, प्लेस पोजिशन। बेटा ऊंची आवाज में अच्छे से बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। आई सॉल्मली प्लेस दैट आई डेडिकेट माइसेल्फ टू प्रिजर्व द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड स्ट्राइव हार्ड to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel.
I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Jai Hind. Now I request our Gandhi principal sir, Shri Virendra Singh, to please share the stage with us and also share his classes and classics with the students. Good morning, dear students, respected teachers. Students, today we are celebrating National Unity Day. And Mr. Deepak has already elaborated the meaning of unity. What is the importance of the unity for a nation, for a person, for a family, for a society? If we are united, we stand together, we are strong. If we divide it, we fall. हम लोग तप करते हैं और जो उस तप में तप करके अपने आप को निखारता है वही कुंदन सा बनता है, सोना बनता है। कीमत जानते हैं ना, निरंतर बढ़ रही है। जो तपन को सहेगा उसी का कीमत होगा। आज आप बच्चे ये जरूर समझें कि राष्ट्रीय एकता का महत्व क्यों है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 व्यासों को इस भारतवर्ष में मिलाया, आप खुद देखिए हमसे थोड़ी सी दूर जींद रियासत थी, जानते हैं पटियाला रियासत थी, इन बातों को जानते होंगे ना, तो हरियाणा और पंजाब की बात करता रहा। पटियाला रियासत थी, जींद रियासत थी, उसके बाद जब हैदराबाद की बात की गई, लखनऊ की बात की गई, या जूनागढ़ की बात की गई, ग्वालियर की बात की गई, सिंधिया तो जानते हैं आप लोग, सिंधिया जानते हैं ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भारतीय कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके दादाजी दिवाजीराव सिंधिया। तो ये इतनी रियासतें थी कि 562 व्यक्ति को अगर मैं यहां पे इकट्ठा कर लूं, 562 व्यक्ति को यहां पे इकट्ठा कर ले और उनको मतदान के लिए बोले तो वो 562 में से आधे भी नहीं माने और आज भी नहीं मानते। एक छोटा सा गांव होता है जिसमें इलेक्शन होता है तो वहां पर ही भिन्न भिन्न मत होते हैं। आप लोगों के भी एक विषय पर बहुत सारे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, उसकी प्रगति, उसकी एकता, अखंडता और उसके साथ साथ उन रियासत के निजाम राजा को यह भरोसा दिलाना कि आपके हित, आपके नागरिकों के हित भारत के साथ सुरक्षित रहेंगे और उसके साथ साथ इस देश की प्रगति होगी तो आपके लोगों की प्रगति होगी। और इस बात को मानते हुए वो 562 रियासतें भारत के अंदर एकीकृत एक झंडे के नीचे हो आए। तो इनकी उपलब्धि, ये असरदार सरदार और चीफ होना, जब आपको किसी उपाधि से नवाजा जाता है, आपको चीफ बनाया जाता है, तो वहां पे आपके पद के साथ जिम्मेदारियां आती हैं और इन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री होते हुए एक नेक दिल इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी और उसके साथ साथ न्याय के, क्योंकि मन में द्वेष रख करके, मन में दुर्भावना रख करके हम किसी का भलाई नहीं कर सकते। और ये उस बात को जानते थे क्योंकि इनके मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं था। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, भारत माता
भारत के लोग, भारत का जनता, और उसके लिए हमें इनके व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए, हमें भी यही चीज दिखाई देनी चाहिए। भारत, भारत के लोग, भारत का झंडा और भारतीयता की भावना, तभी आज का जो दिन है जिसको हम यहां मना रहे हैं, आपके सामने ये बातें बता रहे हैं, उसका एक वो सार्थक होगा। तो आप सभी बच्चों से एक ही अपील कि इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने अंदर की भारतीय को पहले जगह, आप सबसे पहले भारतीय। सुबह हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो हम सब भारतवासी, भाई हम सब भारतवासी हैं, पहले हम सब भारतीय हैं। पहले इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, और हम इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। करेंगे yes, आप सभी को पुनः इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हर बार इस मन से कहता हूं लेकिन उसको अमल में जरूर लेकर के आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ें, महात्मा गांधी जी को पढ़ें, लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़ें, अंबेडकर जी को पढ़ें, जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी व्यक्तित्व को जरूर पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें, जानें और उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। जय हिंद, जय किसान। Thank you very much, sir, for encouraging the students.